जैसे हमारे शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, वैसे ही पौधों में भी उनको कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे उनकी ग्रोथ होती है। कुछ न्यूट्रिशन तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और मिट्टी के द्वारा पौधे लेते रहते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम खाद के रूप में उनको देते हैं। आज हम बात करेंगे एप्सम सॉल्ट के बारे में। एप्सम सॉल्ट क्या है और इसके क्या क्या यूजेज़ हैं गार्डनिंग में, किस तरह से आप इसको पौधों में डाल सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आएगी। तो सबसे पहले जान लेते कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है। एप्सम सॉल्ट का नाम एप्सम सॉल्ट क्यों है ये जानने के लिए हमने खोजा है कि जो इंग्लैंड है एक कंट्री, उसका एक टाउन का नाम है एप्सम, जहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसका नाम एप्सम है। और चूंकि ये सॉल्ट जैसा दिखता है, नमक जैसा, नमक होता नहीं है, नमक जैसा दिखता है, तो ये इसको सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम है एप्सम सॉल्ट। वैसे इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, इसमें मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये देखिए, तो इसलिए इसका नाम एप्सम सॉल्ट होता है और इसके जो यूजेज़ हैं वो बहुत सारे हैं गार्डनिंग में। आइए एक एक करके जान लेते हैं कि क्या क्या यूज़ इसके हैं। सबसे पहले तो जो पहले ये जान लेते हैं कि जैसे हम अपने पौधे को एनपीके देते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। उसके बाद पौधे को ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैग्नीशियम की। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है इसमें मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन होती है, तो इसका नाम वैसे मैग्नीशियम सल्फेट भी उसको बोलते हैं। और अगर पौधों में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है तो जो मेन न्यूट्रिशन है एनपीके, वो भी वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। पौधों में जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है और क्लोरोफिल से ही फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब जो खाना पौधे बनाते हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करता है, उसमें हेल्प करता है ये। तो अगर ज़्यादा क्लोरोफिल होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग की भी ग्रोथ होगी, फ्रूटिंग की ग्रोथ होगी, जो फ्रूटिंग वाले पौधे हैं और जो रूट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी होंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एप्सम सॉल्ट है वो फॉयलेज, जो ग्रीनरी होती है उसको इम्प्रूव करता है, क्लोरोफिल की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, ये जो येलो लीव्स की प्रॉब्लम है उन सबको भी दूर करता है। तो सारी जानकारी आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके यूजेस जान लेते हैं कि किस किस तरह से, किस किस काम में हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है कि जो पौधे हम नर्सरी से खरीद कर लाते हैं, ताज़े ताज़े नए छोटे छोटे जो पौधे लाते हैं, उनको रिपोर्टिंग करते टाइम अगर रिपोर्टिंग शॉक ना लगे, क्योंकि आप जानते ही हो कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट करते हैं किसी भी पौधे को, तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शॉक लगता है। तो उसी शॉक से बचने के लिए, उस पौधे को शॉक ना लगे, तो आप उसका यूज़ उसको जो है 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच के आसपास घोल लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के आसपास घोल कर, और रिपोर्टिंग करते टाइम अपने पौधे को 1-2 सेकंड के लिए उसमें जो जड़ें हैं उसमें आप डिप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर ऐसा करने के बाद आप अपने पौधे को लगाएंगे तो रिपोर्टिंग शॉक लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा जो यूज़ होता है कि अगर आप अपनी सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं, तो सीडलिंग को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने के लिए आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सीडलिंग को जब आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो उस वक्त उसमें 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट की डालकर अच्छी तरह से आप उसको डिजोल्व कर लीजिए, और उसके बाद उसका स्प्रे आप लगातार कर सकते हैं 15 दिन में, और कम से कम 15 दिन, मतलब इससे पहले नहीं करना है, 15 दिन में आप करके आप अपनी सीडलिंग को अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं।
तीसरा, अगर आपके पौधे में येलो लीव्स की प्रॉब्लम है तो येलो लीव्स को आप ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप एप्सम सोल्ट की घोल लीजिए, और उसका घोल बनाने के बाद स्प्रे की जो बोतल आती है स्प्रे करने वाली, उससे आप उस पौधे की पत्तियों पर आप स्प्रे कर दीजिए। और ये काम आप 1 महीने में करिए, जैसे 1 महीने में आज किया तो आपसे 1 महीने बाद आपको करना है। रेगुलर करेंगे तो जो येलो लीव्स की समस्या है वो भी पौधे से ख़त्म हो जाएगी। तो तीसरा ये आप कर सकते हैं। चौथा, जो आपके फर्न के प्लांट हैं, जितनी भी फर्न हैं, अगर वो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें येलो पोर्शन ज़्यादा है, तो इसकी भी ग्रोथ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे जितने भी फर्न होते हैं उनको आप अगर अच्छा लुक देना चाहते हैं, ग्रीनरी अच्छी करना चाहते हैं उनमें, तो आप एप्सम सोल्ट का उपयोग कर सकते हैं। और आप 1 लीटर पानी में, जैसे मैंने पहले बताया, आप 1 छोटा चम्मच डाल लीजिए और इसका स्प्रे लगातार हर महीने करिए। तो आपके जो जितने भी फर्न के प्लांट हैं, चाहे अलग अलग तरह की फर्न होती है, चाहे कोई भी फर्न हो, सारे फर्न के जितने भी प्लांट हैं, ये देखिए एक और है मेरा ये, तो ऐसे जितने भी आपके पास फर्न के प्लांट हो उन सबको अच्छी तरह से आप 1 महीने में एक बार स्प्रे कर दीजिए एप्सम सोल्ट का, तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ग्रीन जो कलर है वो इनमें ज़्यादा आ जाएगा। इसके बाद जो टमाटर के पौधे होते हैं, टमाटर के प्लांट, उनमें आप इसको देंगे तो आपके जो टमाटर हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और क्योंकि टमाटर को मैग्नीशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैग्नीशियम की जितने भी प्लांट हैं जिनको मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए होता है, उनमें आप एप्सम सोल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरी सीडलिंग है टमाटर की, इसको मैं अभी ट्रांसप्लांट करूँगा कुछ दिन में। तो उसके बाद अगर आपको अपने टमाटर से फल जो है वो बड़ा चाहिए और अच्छा चाहिए, ग्रोथ उसकी ज़्यादा चाहिए, तो इसको आप हफ्ते या 15 दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं टमाटर को, या सब्जियों के किसी भी पौधे को, ऐसा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता इससे। 15 दिन में आप, अगर आपका 12 इंची के पॉट में लगा हुआ है तो 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए। चाहे तो आप फोलियर एप्लीकेशन से स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप पानी के साथ मिट्टी में भी दे सकते हैं गमले में, उससे भी बेनिफिट काफ़ी होगा। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी थी। अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से आपको स्प्रे करना है, ये करके आपको बताएंगे। तो ये स्प्रेयर ले लिया है हमने, और अंदाजे से लगभग 1.5 लीटर पानी है, तो 1.5 लीटर में लगभग 1.5 चम्मच के आसपास इसमें डालनी है हमें। ये 1.5 चम्मच हो गई होगी, तो इसको मिलाकर घोल लेते हैं। तो इस तरह से आपको स्प्रे कर देना है, जितने भी अपने प्लांट आपको ग्रीनरी ऐड करना चाहिए, जितने फूलों वाले पौधे हैं आपके, उन सबको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। फूल की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी, और बाकी जितनी ग्रीनरी आपको ऐड करनी है, जितने लीव्स आपके पौधों के येलो हो रहे हैं, उन सब की रोकथाम भी आसानी से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर बने रहे, ऐसे ही आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बखूबी मिलता रहेगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।